brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूरी दुनिया में भारत का डंका जोरों शोरों पे बज रहा। भारत से हर देश संबंध अच्छे करने में लगे हुए हैं, जैसे रूस और अमेरिका। लेकिन अब इसी कड़ी में शामिल हो गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने भारत के लोगों पर कर दिया है बड़ा ऐलान और पाकिस्तान को कर दिया है परेशान। दरअसल खबर सामने आ रही कि अब संयुक्त अरब अमीरात जाना, रहना और व्यापार करना और भी आसान हो गया। इसके लिए भारत और यूएई के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों के अलावा माइग्रेशन और आवागमन से संबंधित समझौतों को जल्द अंतरिम रूप देने पर चर्चा हो गई है। चलिए अब जानते हैं क्या की गई है चर्चा और इससे भारत को क्या मिलेगा फायदा, ये भी जान लेते हैं। दरअसल नई दिल्ली में राजनयिक मामलों की संयुक्त समिति यानी JCCA की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने इस बैठक में श्रम, वीजा, प्रवासन, नागरिकता और प्रत्यर्पण सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की और इसे मजबूत करने का दावा किया गया। दोनों पक्षों ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें लोगों के लिए बेहतरीन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वीजा सुविधा और प्रवासन और आवागमन से संबंधित समझौतों को जल्द पूरा करना शामिल है। दोनों देशों के बीच संबंधों में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, रक्षा, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा, लोगों के आपसी संपर्क समेत आपसी सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल हैं। यूएई ने भारतीय प्रवासी श्रमिक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में डिटेल से जानकारी दी। बता दें, भारत और यूएई अब मिलकर कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत से नए कामों की शुरुआत हो रही, जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ना हो, द्विपक्षीय निवेश संधि हो, ऊर्जा क्षेत्र हो या फिर कल्चरल कैलिब्रेशन। भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे हैं। खैर, ये बैठक देख दुनिया के मुस्लिम देशों में खलबली जरूर मच गई होगी, खासतौर से पाकिस्तान जैसे देशों की, जो कभी नहीं चाहते कि भारत और यूएई के संबंध अच्छे हों। लेकिन वो कहते हैं ना, ये सदी भारत की है और आज इस सदी में हर देश भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। देखना तो ये होगा कि भारत यूएई के बीच हुए इन फैसलों से भारत को कितना फायदा मिलता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।